अगर आप मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू के फैन हैं, तो आप जानते होंगे कि ये मूवी कितनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप इस मूवी के पहले की स्टोरी नहीं जानते तो आप इसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज मैं आपको एवेंजर्स एंडगेम के पहले की पूरी स्टोरी शॉर्ट में समझाऊंगा। इसके साथ ही यहाँ पर हम उन मूवीज के बारे में बात करेंगे जो कि एवेंजर्स एंडगेम के पहले देखना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। इस लंबी कहानी को समझने के लिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इन्फिनिटी स्टोन्स क्या है, क्योंकि ये पूरी स्टोरी इन्फिनिटी स्टोन्स के आसपास ही घूम रही है। इन्फिनिटी स्टोन्स ऐसे पत्थर है जो कि यूनिवर्स के क्रिएशन के टाइम पर बने थे। इन्फिनिटी स्टोन्स यूनिवर्स के सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट्स है। 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में नेचर की 6 बेसिक पावर्स है जो कि है स्पेस, टाइम, रियलिटी, माइंड, सोल और पावर। अपने नाम की जैसे ही इन स्टोन्स की शक्तियाँ है। स्पेस स्टोन स्पेस को कंट्रोल कर सकता है, टाइम स्टोन टाइम को। इसी तरह से बाकी स्टोन्स भी नेचर के सभी एस्पेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इन स्टोन्स को मामूली लोग छू भी नहीं सकते, इन्हें सिर्फ ताकतवर लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने क्रिएशन के बाद से ही ये स्टोन्स यूनिवर्स की अलग अलग जगह पर और अलग अलग रूप में मौजूद थे। सन 2012 में स्पेस स्टोन अर्थ पे था। वो स्टोन टेसरे क्यूब नाम के एक ऑब्जेक्ट के अंदर था और अर्थ के साइंटिस्ट उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, और तब शुरू हुई असली कहानी। उस टाइम पर लोकी नाम का एक एलियन जो कि थॉर का सौतेला भाई था, वो अर्थ पर टेसरे क्यूब लेने के लिए आया। लोकी ने एक दूसरे एलियन से ये सौदा किया था कि वो उन्हें टेसरे क्यूब देगा और बदले में उनकी मदद से धरती पर राज करेगा। लोकी को रोकने के लिए कुछ खास शक्ति वाले लोगों की एक टीम बनाएगी जिन्हें एवेंजर्स कहा जाता है। एवेंजर्स ने मिलकर लोकी और उसकी फौज को हरा दिया और फिर थॉर टेसरे क्यूब को लेकर अपने प्लेनेट एसगार्ड पर चला गया। इसके बाद की मूवीज में एक एक करके सारे इन्फिनिटी स्टोन सामने आए और नए नए हीरोज इस कहानी में जुड़ने लगे। 2013 की थॉर द डार्क वर्ल्ड में हमें रियलिटी स्टोन के बारे में पता चला जो कि ईथर नाम के एक लिक्विड के फॉर्म में था। 2015 की एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमें माइंड स्टोन दिखा। इस मूवी में माइंड स्टोन से एक नए हीरो का जन्म हुआ जो था विजन। अपने सर में माइंड स्टोन लगा हुआ होने की वजह से विजन एवेंजर्स की टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर बन गया। 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में हमें टाइम स्टोन के बारे में पता चला और इसके साथ ही इस मूवी में एक महान जादूगर की कहानी दिखाई गई जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज। पर इन सब के बीच 2014 में आई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है। इस फिल्म में हमें पावर स्टोन देखने को मिला और इन्फिनिटी स्टोन्स की हिस्ट्री पता चली। और सबसे खास बात ये कि इस मूवी में थैनोस नाम का एक खतरनाक एलियन दिखाया गया। थैनोस वही एलियन है जिसने लोकी को अर्थ पे भेजा था टेसरे क्यूब लेने के लिए। थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल करना चाहता था। वो ऐसा क्यों करना चाह रहा था, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 2016 की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में गवर्नमेंट ने एक नया कानून लागू किया जिससे कि एवेंजर्स की टीम दो पार्ट में डिवाइड हो गई और एवेंजर्स के दो इम्पोर्टेंट मेंबर आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका में झगड़ा हो गया। इस मूवी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई जो कि है ब्लैक पैंथर। 2018 में ब्लैक पैंथर की सेपरेट मूवी भी रिलीज हुई जिसमें हमें वकांडा नाम का एक अनोखा देश दिखाया गया। आगे की स्टोरी में वकांडा और ब्लैक पैंथर का बहुत खास रोल है। 2017 की थॉर रैग्नारोक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में हमें एक बार फिर टेसरे क्यूब नजर आया और इसके साथ ही इस मूवी में गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर ने काफी कुछ खो दिया, अपना हथियार, अपना परिवार और अपनी एक आंख, और आखिर में थॉर का प्लेनेट एसगार्ड भी बर्बाद हो गया। इसीलिए थॉर, हल्क और एसगार्ड के बचे हुए लोग एक स्पेसशिप लेकर अर्थ की तरफ निकल पड़े। ये मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए इसे बिल्कुल मिस मत करिए। और फिर फाइनली 2018 में आई एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। इसके पहले एमसीयू की जितनी भी मूवी रिलीज हुई उन सब की स्टोरी कहीं ना कहीं इन्फिनिटी वॉर की तरफ ही आगे बढ़ रही थी। इस मूवी में थैनोस सबके सामने आ ही गया जो कि अब तक दूसरों से अपना काम करवा रहा था। तो चलिए अब ये जानते हैं कि थैनोस कौन है और उसके इरादे क्या है। थैनोस टाइटन का रहने वाला था। टाइटन जो कि सैटर्न प्लेनेट का एक मून है। थैनोस इटर्नल प्रजाति का एक एलियन था। वो अपने पूरे परिवार और पूरे प्लेनेट में सबसे अलग था। वो बहुत जीनियस और बहुत पावरफुल था। टाइटन पे सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर वहाँ की आबादी बढ़ने लगी और लोगों का खाना पीना मुश्किल हो गया। इसीलिए थैनोस ने सबको एक आइडिया दिया। उसने कहा कि टाइटन के आधे लोगों को मार देना चाहिए ताकि बचे हुए आधे लोग अच्छी जिंदगी जी सके। थैनोस की इस बात की वजह से उसे पागल घोषित करके वहाँ से निकाल दिया गया। और फिर कुछ टाइम बाद टाइटन के रिसोर्सेज पूरी तरह से खत्म हो गए, सब लोग मर गए और टाइटन बर्बाद हो गया। ये देखकर थैनोस ने ये मान लिया कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था, और तब उसने ये कसम खा ली कि अब वो सभी प्लैनेट्स के आधे लोगों को मार देगा ताकि बाकी लोग अच्छे से जी सके। और थैनोस ने अपनी सेना लेकर हर प्लैनेट के आधे लोगों को मारना शुरू कर दिया। पर कुछ प्लैनेट्स के लोगों को मारने के बाद थैनोस को ये एहसास हुआ कि इस तरह से वो पूरी जिंदगी में भी अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएगा।
और तब थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में पता चला। थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स का पूरा नॉलेज हासिल करके ये फैसला कर लिया कि अब वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को जमा करेगा और उनकी पावर्स का यूज करके एक बार में ही यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन खत्म कर देगा। थैनोस ने नीडे वाले प्लेनेट के लोगों से, जो कि सबसे खतरनाक हथियार बनाते हैं, उनसे एक गाउंटलेट बनवाया जिससे कि वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को एक साथ यूज कर सके। और जब सही वक्त आ गया तब थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स जमा करने निकल पड़ा। उसने सबसे पहले जेंडर नाम के एक प्लेनेट को तबाह करके वहां से पावर स्टोन हासिल कर लिया। फिर वो स्पेस स्टोन की तलाश में आगे बढ़ा। स्पेस स्टोन यानी टेसरेक क्यूब आखिरी बार एसगार्ड प्लेनेट पर था, लेकिन अब एसगार्ड तबाह हो चुका है। इसीलिए थैनोस वहां के लोगों को ढूंढते हुए उस स्पेसशिप तक पहुंचा जिसमें एसगार्ड के लोग सवार थे। यहां पर थैनोस ने थॉर और हल्क को हरा के लोकी से टेसरेक क्यूब ले लिया और उसे मार दिया। फिर थैनोस थॉर का स्पेसशिप बर्बाद करके बाकी स्टोन्स ढूंढने चला गया। इसके बाद थैनोस के चारों साथी अर्थ पे पहुंचे दो इन्फिनिटी स्टोन्स लेने के लिए। कॉर्वस ग्लेव और प्रॉक्सिमा मिडनाइट ने माइंड स्टोन लेने के लिए विजन पे हमला किया, पर कैप्टन अमेरिका और उनके साथियों ने विजन को बचा लिया और वो विजन को लेकर वकांडा गए ताकि वो बिना किसी खतरे के विजन के सर से माइंड स्टोन निकाल सके और माइंड स्टोन को तबाह कर सके। इसके अलावा एबिनिमो और कल ऑब्सिडियन टाइम स्टोन लेने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास गए। यहाँ पर जब एबिनिमो डॉक्टर स्ट्रेंज से टाइम स्टोन नहीं ले पाया तब वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने शिप में डालकर टाइटन की ओर निकल पड़ा। डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के लिए आयरन मैन और स्पाइडरमैन उस स्पेसशिप के अंदर चले गए और उन्होंने एबिनिमो को ठिकाने लगा दिया। दूसरी तरफ थॉर स्पेस में भटकते हुए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से मिला। यहाँ थॉर ने इन सबको थैनोस के बारे में बताया और वो गार्डियंस के दो मेंबर के साथ नीडरवेलर चला गया अपने लिए एक नया हथियार बनाने के लिए, एक ऐसा हथियार जिससे कि थैनोस को मारा जा सके। और गार्डियंस के बचे हुए मेंबर नोवेयर प्लेनेट पर पहुंचे ताकि वो थैनोस से पहले रियलिटी स्टोन ले सके, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि थैनोस ने पहले ही रियलिटी स्टोन हासिल कर लिया है। यहां पर थैनोस अपनी गोद ली हुई बेटी गमोरा को, जो कि गार्डियंस की टीम की मेंबर है, उसे अपने साथ लेकर चला गया क्योंकि गमोरा सोल स्टोन की लोकेशन जानती थी। थैनोस ने गमोरा की बहन नेबुला को टॉर्चर किया और गमोरा से सोल स्टोन की लोकेशन पता लगा ली। फिर वो दोनों वॉर्मिल प्लेनेट पर गए। वहां पर थैनोस ने गमोरा को कुर्बान करके सोल स्टोन हासिल कर लिया। उधर आयरन मैन, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज टाइटन पर पहुंचे और वो गार्डियंस के बाकी मेंबर से मिले। यहां पर ये सब थैनोस से लड़ने का प्लान बना रहे थे। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का यूज करके फ्यूचर देख लिया, जिससे उन्हें ये पता चला कि थैनोस को हराना बहुत मुश्किल है और उसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका है। थैनोस को कैसे हराना है ये डॉक्टर स्ट्रेंज ने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने उस तरीके पर अमल करना शुरू कर दिया था। फिर थैनोस टाइटन पर पहुंचा और यहां पर एक जोरदार लड़ाई शुरू हुई। थैनोस ने यहां एक एक करके सबको पछाड़ दिया और जब वो आयरन मैन को मारने ही वाला था तब डॉक्टर स्ट्रेंज ने आयरन मैन की जान बचाने के लिए थैनोस को टाइम स्टोन दे दिया। अब थैनोस के पास पूरे 5 इन्फिनिटी स्टोन्स आ चुके थे। इधर वकांडा में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई थी। थैनोस के साथियों ने माइंड स्टोन हासिल करने के लिए वकांडा पर बहुत बड़ा हमला किया। थैनोस की आर्मी के सामने सब लोग कमजोर पड़ने लगे। तभी अचानक थॉर अपने नए हथियार के साथ वकांडा पहुंचा। थॉर ने यहां बहुत ही जल्द पूरी जंग पे काबू पा लिया। थैनोस के सारे साथी मारे गए और फिर थैनोस खुद वकांडा पहुंचा और वो विजन की तरफ बढ़ने लगा। तभी वांडा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके विजन के सर का माइंड स्टोन तबाह कर दिया, जिससे विजन मर गया। लेकिन थैनोस के पास पहले से ही टाइम स्टोन था, इसीलिए उसने टाइम को रिवर्स करके विजन को वापस जिंदा कर दिया और उसके सर से माइंड स्टोन निकाल लिया और विजन फिर से मर गया। यहाँ पर थैनोस के पास पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स आ गए, पर तभी अचानक थॉर ने अपने हथियार से थैनोस पे वार किया। थॉर का ये नया हथियार पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की शक्तियों को पार करके थैनोस के सीने में जा लगा। थॉर को लग रहा था कि अब थैनोस का खेल खत्म हो गया, पर थैनोस ने थॉर से ये कहा कि तुम्हें मेरे सर पे वार करना चाहिए था। और ऐसा कहने के बाद उसने अपने गाउंटलेट से एक चुटकी बजा दी और फिर थैनोस वहां से चला गया। इसके बाद कई सारे लोग अचानक धूल बनकर गायब होने लगे। यहाँ थैनोस का काम पूरा हो गया और यूनिवर्स के आधे लिविंग क्रिएचर्स इसी तरह से धूल बनकर गायब होना शुरू हो गए। टाइटन पर आयरन मैन और नेबुला को छोड़कर बाकी सब भी धूल बन गए। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने मरते मरते आयरन मैन से कहा कि और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद थैनोस बिल्कुल बेफिक्र होकर एक अनजान प्लेनेट पर बैठ गया और मूवी खत्म हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि हीरो हार गए, विलेन जीत गया और मूवी खत्म कैसे हो गई, लेकिन ये सिर्फ आधी कहानी थी। इसके आगे की कहानी एवेंजर्स एंड गेम में दिखाई जाएंगी। उस मूवी में सारे जिंदा बचे हुए हीरोज सब कुछ पहले जैसा करने की कोशिश करेंगे। एवेंजर्स एंड गेम से पहले आपको एंटमैन एंड द वॉस्प और कैप्टन मार्वल मूवी देखना भी जरूरी है, क्योंकि एंटमैन और कैप्टन मार्वल का
एवेंजर्स एंड गेम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो दोस्तों ये थी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको एवेंजर्स एंड गेम समझने के लिए जानना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए।